गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। आज हम करेंगे नॉन कॉर्डेट्स पार्ट टू। इलेवेंथ क्लास, ठीक है। हमने अपना तीन फाइलम जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे प्लैटी हेलमिंथस, अपना जो फोर्थ फाइलम है प्लैटी हेलमिंथस। प्लैटी हेलमिंथस में आपके पास आते हैं फ्लैट बॉम्ब्स। प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेलमिंथस मीन्स बॉम्ब्स, यानी ये फ्लैट बॉम्ब्स, फ्लैट बॉडीड बॉम्ब्स जो हैं वो इस फाइलम में आएंगे। जनरल फीचर्स इस फाइलम के, ज़्यादातर ये पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, यानी नुकसान पहुँचाती हैं। पैरासिटिक फॉर्म्स हैं जैसे टेप वॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ब्लड फ्लूक हो गया एट्सेट्रा। हुक्स और सकर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये होस्ट के साथ चिपकी रहती हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल हैं और इनमें थोड़ा बहुत प्रिमिटिव सिफिलाइजेशन है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, दैट इज प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ए सिलोमेट हैं, दे आर ए सिलोमेट्स। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पिछले फाइलम से ठीक है, वहाँ टिश्यू थी। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट है और सिंपल है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से ही होती है। इसके बाद हमारे पास इनका आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनके स्पेशल पेक्यूलियर सेल हैं, ये इसका पेक्यूलियर फीचर है। प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सर्कुलेटरी सिस्टम्स, स्केलेटल सिस्टम्स आर अब्सेंट इन प्लैटी हेलमिंथस। ना तो ब्लड का सिस्टम है, ना कोई स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट है। तो इनमें अगर आपसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पूछे जाएं तो स्पेशल फ्लेम सेल्स होते हैं जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का काम करते हैं। फिर अगला है नर्वस सिस्टम इनका। नर्वस सिस्टम जो है जनरली ब्रेन और दो मेन लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स इसमें पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन, फ्लैट बॉम जो है जनरली हर्मेफ्रोडाइट हैं, मोनोशियस हैं, बाइसेक्सुअल हैं मतलब, और इनमें दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं। फर्टिलाइजेशन, इसमें लार्वल स्टेजेस आती हैं और ये कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो रीजनरेशन की पावर रखते हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर हम यूज़ करें इसको, ये कहें तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक एडवांस्ड फीचर आया हुआ है। सेकेंड आपके पास है एस्क हेलमिंथस। अगला फाइलम है हमारा एस्क हेलमिंथस। एस्क हेलमिंथस में आते हैं, इस एस्क हेलमिंथस को नेमेटी हेलमिंथस के नाम से भी जाना जाता है, या नेमेटोडा भी आपने पढ़ रखा है, इनको कॉमनली नेमेटोड्स भी बोलते हैं। जनरली ये फ्री लिविंग होते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। जर्म लेयर्स तीन ही पाई जाती हैं इनमें भी। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रेजेंस ऑफ थ्री जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। स्यूडोसिलोमेट्स हैं, ये ज़रूर लिखना है क्योंकि ये पहला फीचर हमारे पास ऐसा आया बॉडी कैविटी का, स्यूडोसिलोमेट, और इसी फाइलम में होते हैं और किसी में नहीं। ये भी क्वेश्चन एक नंबर में बनता है कि कौन सा फाइलम जो है उसमें स्यूडोसिलोमेट्स आते हैं। तो ये सर इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको मीसोडर्मल एपिथीलियम ने लाइन नहीं किया होता। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है। एलिमेंट्री कैनल इज़ कंप्लीट। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसमें आती हैं ए पेयर ऑफ ग्लैंड सेल्स और इंट्रासेलुलर कैनल्स। नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग है अराउंड द फेरिंग्स। और रिप्रोडक्शन, नेमेटोड्स रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल मेथड्स। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसमें सेक्सुअल मेथड ही से ही रिप्रोडक्शन होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होती है और फर्टिलाइज्ड एग
डायरेक्टली डेवलप करते हैं थ्रू लार्वा दैट अंडरगो मोल्टिंग एंड फाइनली जो फिर एडल्ट की फॉर्म में बनता है। अगर इसमें हम कहें कुछ इसके स्पेशल हमारे पास केसेस हैं, जैसे एस्केरिस लिम्ब्रिकोइडस, एस्केरिस आपने पढ़ी रखा है, ये इंटेस्टाइन का एक राउंड वॉर्म है, जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म है, एंडोपैरासाइट का काम करता है और एस्केरियासिस डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। बुकरेरिया है दूसरा, इसको फिलेरियल वॉर्म्स भी कहते हैं, ये फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ है जिसको कॉज करता है। एनसाइक्लोस्टोमा ड्योडिनेल है, इसको हुक वॉर्म भी कहते हैं और ये एनसाइक्लोस्टोमियासिस डिजीज़ कॉज करता है। तो ये दो आपने ज़रूर लिख लेने हैं, तीन तीसरा भी लिख लेना, ये लिखो चाहे ना लिखो, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एस्केलमिंथस का। फिर हमारे पास आता है एनीलिडा, एनीलिडा फाइलम, जो कि सिक्स्थ नंबर का फाइलम है एनीलिडा। एनीलिडा एनीलिड्स, एनुलस का मतलब होता है रिंग्स और लीड्स का मतलब फॉर्म, तो एनुलस जिनमें की रिंग्ड बॉडी होगी, सेगमेंटेड बॉडी होगी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनीलिडा फाइलम में रखते हैं। जनरल फीचर्स, ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं, टेरिस्टेरियल भी। इनका सबसे बढ़िया फीचर है मेटामेरिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये लिखना है। मेटामेरिज्म में बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड है, उन सेगमेंट्स को हम मेटामेयर्स कहते हैं। अब ये सेगमेंट्स या मेटामेयर्स बाय रिंग लाइक ग्रुप्स एनुलाई, इनको हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और सेगमेंटेशन इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल है। स्मिटरी एनालिड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, एनालिड्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। जर्म लेयर्स, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी प्लान अगर हम देखें तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ट्रू सिफिलाइजेशन है, यानी थोड़ा बहुत ब्रेन का है। बॉडी कैविटी अगर हम देखें तो उसमें यू सिलोमेट्स हैं, ये ट्रू सिलोमेट्स हैं, बॉडी कैविटी पाई जाती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन है, बस इतना इतना ही लिखना है आपने, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन, क्योंकि फ्लूइड फिल्ड बॉडी होती है इनकी। लोकोमोशन के लिए इनके पास है पैरापोडिया और काइटिनासीटा। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्लीट है। रेस्पिरेशन तीन तरीकों से होती है, स्किन से भी, गिल से भी और पैरापोडिया से भी हो जाती है। सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले एनिमल हैं जिनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रिडिया, इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। नर्वस सिस्टम, कंटेन्स नर्व रिंग अराउंड फेरेंक्स एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। रिप्रोडक्शन, लीच अर्थवॉर्म, रिप्रोडक्शन जो इसमें सेक्सुअली होती है जनरली, और दे आर यूनिसेक्सुअल, सिर्फ इसमें नीरिज है, ये भी आपको एक्सेप्शन पता होनी चाहिए। लीच अर्थवॉर्म जो हैं, जो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल तो नीरिज है, बाइसेक्सुअल या हर्मोफ्रोडाइट के एग्जांपल हैं लीच और अर्थवॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप टू एनीलिडा तक, हम इतना ही आज पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।